हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति क्लासेस। लेट्स कंटिन्यू विद सम नंबर 5। हमारा 4 सम इसके पहले वाले वीडियोस में हो चुका है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के सम्स कुछ ऐसे दिए हुए हैं जो ऑलरेडी सीक्वेंस में है, तो हमें इसे किसी सीक्वेंस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली A1, B1, C1, A2, B2, C2 निकाल देंगे, जिसका हम लोगों को इक्वेशन नंबर 1 है 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54। दिस इज़ अ इक्वेशन नंबर 1। 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28 इक्वेशन नंबर 2। इसमें जो ये 4 है ये हमारा A1 है, B1 इज 6, C1 इज 54, A2 इज 3, B2 इज 2, C2 इज 28। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले D निकालेंगे। D है हमारा A एंड B, A1 A2 B1 B2। हमें इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। A1 इज 4, A2 इज 3, 4 3, 6 2 6 2, जिसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 2। पहले हमें 4 और 2 को लेना पड़ेगा, उसके बाद माइनस का साइन लगा के 6 और 3 करेंगे। ध्यान देना, अगर आपने ज़रा भी उल्टा फुल्टा कर दिया, यानी कि पहले ये ले लिया और ये लिया, तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 4 2 8 माइनस 6 3 18, और हमारा आंसर आ जाएगा -10, जो कि हमारा D है। ये हमने D निकाला है, सो D इज़ वॉट -10। हमें ऐसे ही अब dx निकालना है, तो dx का हमारा फॉर्मूला है C n B, C1 C2 B1 B2। C और B में हमें C1 C2 कितना, 54 एंड 28। B1 इज 6, B2 इज 2, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 54 को 2 के साथ, माइनस 28 इंटू 6, 54 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 108। माइनस 28 इंटू 6 करेंगे तो 108 माइनस 168, तो हमारा आंसर आ जाएगा 60। ये हमारा dx है, माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि 168 बड़ा है, तो dx इज इक्वल टू माइनस 60 आ गया हमारा। अभी हमें निकालना है d। अच्छा, क्वेश्चन में हमारा m और n दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे dx नहीं dm लेना पड़ेगा, और यहाँ पे भी dm लेना पड़ेगा, और यहाँ पे dn लेंगे। क्वेश्चन में अगर xy दिया रहता है, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हमने x और y दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पे x और यहाँ पे y दिया होता तो dx और यहाँ पे dy लेते थे। अब यहाँ पे m और n दिया हुआ है, तो हम dm और dn लेंगे। अब dn निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है a1 a2 एंड c1 c2। तो अब हमारे पास आएगा व्हाट इज a1 a2 4 एंड 3, c1 c2 इज 54 एंड 28। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 28 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 54 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 162, तो हमारा आंसर आने वाला है माइनस 50। तो हमारे पास टोटल DM DN और D तीनों मिल चुके हैं। तो अभी हमें क्या चाहिए, इसमें हम ले लेंगे M का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो DM कितना है, माइनस 60, जो हमने यहाँ पे निकाला है माइनस 60, वो हम ले लेंगे माइनस 60 अपॉन डी। कितना है क्वेश्चन में,
माइनस टेन, हम ले लेंगे माइनस टेन, इससे ये कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा सिक्स। वैसे हम एन निकालेंगे तो हमारा डी एन अपॉन डी हो जाएगा। डी एन कितना है क्वेश्चन में, डी एन हमारा आया था माइनस फिफ्टी, तो हम ले लेंगे इसको माइनस फिफ्टी अपॉन डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस टेन, हमने निकाला हुआ है, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, जीरो से जीरो कट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बचा फाइव। तो हमारा दो आंसर आ गया, एम इज इक्वल टू सिक्स और एन इज इक्वल टू फाइव। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में जो नंबर्स है वो थोड़े से अपॉन में दिए हुए हैं, तो हम उसको लिख लेते हैं। पहले इक्वेशन वन एंड टू, टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू टू, ये हमारा इक्वेशन नंबर वन है। देन एक्स माइनस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू वन अपॉन टू, ये हमारा इक्वेशन नंबर टू हम नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें अपॉन में टू है ना, तो टू हटाने के लिए हम टू से डिवाइड कर देते हैं ताकि थोड़ा इजी पड़ जाइए। अपॉन में हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं आने वाला है, तो हमें थोड़ा मतलब आ जाएगा बट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे टू हटा देंगे अपॉन से, और टू हटाने के लिए हम क्या करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग, इसको एक काम करते हैं टू ले लेते हैं इक्वेशन ताकि हम लोग को ईजी पड़ जाए। हम लिख लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग बाय टू इन इक्वेशन नंबर टू, हम इक्वेशन नंबर टू में टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब टू इंटू एक्स माइनस टू इंटू वाई अपॉन टू इज इक्वल टू टू इंटू वाई अपॉन टू। हमने सब में टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ये टू से ये टू कट गया, ये टू से ये टू कट गया, यहाँ पे बचा टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन, दिस इज योर इक्वेशन नंबर थ्री। अब हम वन के साथ थ्री को लेंगे, तो हमारा ए वन हो जाएगा टू, बी वन हो जाएगा थ्री, सी वन हो जाएगा टू, लेकिन हमारा अब हम इक्वेशन नंबर टू नहीं लेकर के थ्री ले लेंगे और लिखेंगे ए टू टू बी टू इज माइनस वन, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब वन है, देन सी टू इज वन। इस तरह से हमारे ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू तीनों मिल जाएगा हम लोगों को। अब हम क्या करेंगे, हम हमारा एक्स निकाले डी निकालेंगे, डी निकालने के लिए ए वन ए टू बी वन बी टू हम ये ले लेंगे। ए वन ए टू और बी वन बी टू जो है उसमें हम ए वन जो हमारा टू है, ए टू हमारा टू है, बी वन हमारा थ्री है, बी टू हमारा माइनस वन है। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको, टू इंटू माइनस वन ले लेंगे, देन माइनस का साइन लगाएंगे और ये टू इंटू थ्री ले लेंगे, टू वन ज़ा टू और साइन माइनस का लगेगा, माइनस टू थ्री ज़ा सिक्स, दोनों भी साइन माइनस में है, दोनों साइन जब भी माइनस में होगा तो हम क्या करेंगे उसको ऐड कर देंगे, सिक्स एंड टू विल बी एट विच इज़ बिगर, सिक्स इज़ बिगर, सो ये माइनस माइनस साइन ये, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस एट। तो हमको डी क्या मिला, माइनस एट। अब हमें चाहिए डी एक्स, इस क्वेश्चन में वापस से एक्स वाई आ गया है तो हम एक्स ले लेंगे, और यहाँ पे एक्स वाई है तो हम एक्स और वाई लेंगे, इसके पहले के क्वेश्चन में एम और एन था तो हम एम और एन लिखेंगे, डी एम डी एन ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे एक्स वाई है क्वेश्चन में तो हम डी एक्स एंड डी वाई लिखेंगे। सो डी एक्स इज हमारे फॉर्मूला के हिसाब से डी एक्स हमारा हो जाएगा सी वन सी टू बी वन बी टू। तो हम क्या करेंगे, वॉट इज सी वन सी टू, सी वन सी टू इज टू एंड वन, और हमारा बी वन बी टू इज थ्री एंड माइनस वन, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है बी वन बी टू, बी वन बी टू है हमारा थ्री एंड माइनस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टू और माइनस वन का, तो हमारा जाएगा टू इंटू माइनस वन माइनस वन इंटू थ्री, तो क्या हो जाएगा टू वन ज़ा टू माइनस टू, और ये माइनस थ्री वन ज़ा थ्री, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस कर देंगे और बड़े का साइन आएगा यानी कि थ्री का साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया माइनस फाइव। तो हमें डी एक्स कितना मिला, माइनस फाइव मिला। अब हम क्या करेंगे, डी वाई निकालेंगे। डी वाई का क्रैमर रूल्स के हिसाब से क्या फॉर्मूला है, ए एन सी, ए वन ए टू सी वन सी टू। अब हम क्या करेंगे, ए वन ए टू सी वन सी टू का वैल्यू डाल देंगे, टू 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 वन, हम लिखेंगे टू टू टू
वन. देन हम लोग क्या करेंगे, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए टू इंटू वन एंड देन टू इंटू टू माइनस टू इंटू टू. टू वन सा टू हो गया, टू टू सा फोर हो गया. हमारा आंसर आ जाएगा माइनस टू. ये हमारा क्या मिला हमें, डी वाई मिला माइनस टू. अब हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है x एंड y, राइट. तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी. तो हमें कितना मिलेगा, डी एक्स कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, माइनस एट, सॉरी माइनस फाइव अपॉन माइनस एट. हाँ, तो हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा, हमारा आंसर आएगा फाइव अपॉन एट. अब हमें क्या चाहिए, y, y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी. तो हमारा आ जाएगा डी वाई कितना है क्वेश्चन में, माइनस टू, और डी कितना है, माइनस एट. जब हम इसको काटेंगे, टू वन जा टू, टू फोर जा एट, तो हमारा आंसर आएगा वन अपॉन फोर, जो हमारा वाई मिल जाएगा हमें. तो उससे हमारा दो आंसर आया, एक्स का वैल्यू आया फाइव अपॉन एट और हमारा वाई का वैल्यू आया वन अपॉन फोर. तो एक्स एंड वाई दोनों का वैल्यू हमको ऐसे मिल जाएगा.